नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मगन ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सोलर फैन के। BLDC फैन है दोस्तों, ये देखिए जुपिटर कंपनी का है, इस तरीके का है कुछ है। और आप इसे 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं। दोस्तों इसकी खासियत देखिए क्या है, एक तो ये 5-स्टार रेटिंग का पंखा है, सबसे अच्छा पंखा है, सबसे कम बिजली में चलेगा, 30 वाट का है अप्रॉक्स ये दोस्तों। और इसकी खासियत है बूस्ट स्पीड, ये बहुत तेज़ स्पीड से चलेगा और आप इसकी स्पीड चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा है 100% कॉपर, इसकी जो कॉपर की जो अंदर वाइंडिंग हुई है पूरी कॉपर वायर से हुई है। 5-स्टार सर्टिफाइड है, बेस्ट 5-स्टार होता है, लोग आप लोग तो जानते ही होंगे। और इसको आप रिमोट कंट्रोल, इसमें आपको रिमोट भी मिलेगा जिससे आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है लोवेस्ट हीट इमिजन, दोस्तों जब पंखा चलता है तो उसमें काफ़ी अंदर हीट निकलती है जो इसमें सबसे कम होगी। फिर है ट्रिपल इन्वर्टर बैकअप पावर, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इसका फीचर है कि ये बैटरी की लाइफ 3 घंटा तक बढ़ा देता है। मतलब जो पहले पंखा मान लीजिए 1 घंटा चलता था तो इसमें वो 3 घंटे तक चलेगा। फिर है आप हर घंटे में 10 RPM की स्पीड इसको ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं, अपने आप से हर घंटे जो है 10 RPM की स्पीड कम होती जाएगी। उसके बाद है हाई ग्रेड CRNO लेमिनेशन, ये अंदर का इसका फंक्शन है, BLDC टेक्नोलॉजी से बना हुआ है दोस्तों, जिससे बहुत कम बिजली खाएगा ये। और उसका एक और भी बहुत अच्छा है कि रन द फैन इन रिवर्स डायरेक्शन, दोस्तों ठंडी के दिनों में ये उल्टा चलेगा जिससे आपको गर्म हवा मिलेगी, तो आप इसका समर और विंटर दोनों में ही मज़ा ले सकते हैं, बहुत अच्छा पंखा है। और सबसे लास्ट में है फुल स्पीड इवन एट लो वोल्टेज एंड पावर फ्लक्चुएशन, अगर पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है और वोल्टेज बहुत कम है तब भी पर दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। दोस्तों अब इसकी ओपनिंग करते हैं, दोस्तों यहाँ पर इसकी ट्रबल शूटिंग गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है, मतलब कोई दिक्कत हो जैसे फैन नॉट रोटेटिंग, चल नहीं रहा फैन नॉट रोटेटिंग, लिट नहीं, इसकी LED लाइट नहीं जल रही है, फैन स्टॉप हो रहा चलते चलते रुक जा रहा है, अगर नॉइज़ कर रहा है, रिमोट कंट्रोल अगर वर्क नहीं कर रहा है, इससे सेकिंग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल इज़ लॉस्ट एंड द सीलिंग फैन इज़ नॉट रोटेटिंग, ये सारे आप इसके सही कर सकते हैं इनकी मदद से। सोल्यूशंस बताए गए इसमें और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताई गई है कि टाइप्स ऑफ मोटर जो BLDC हो तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल वोल्टेज है, मोटर कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटिंग वोल्टेज स्पीड ऑन ऑफ कर सकते हैं रिमोट से इसको, मल्टी स्पीड सेटिंग है, आप इसकी स्पीड बार बार घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, मेमोरी लास्ट सेट स्पीड, जो अगर लास्ट आपने स्पीड सेट कर रखी होगी उसी से पंखा फिर से चलने लगेगा। इसी ये इसका रिमोट है जिससे आप फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्विच द फैन ऑन एंड ऑफ, फिश LED ऑन एंड ऑफ, बूस्ट स्पीड, ऑटो स्विच आफ्टर 2 आवर्स, ऑटो स्विच आफ्टर 4 आवर्स, ऑटो स्विच ऑफ आफ्टर 6 आवर्स, ऑटो स्विच ऑफ आफ्टर 8 आवर्स, एंड रन द फैन इन रिवर्स डायरेक्शन एंड रिड्यूस द 10 RPM एवरी डे, ये इसके रिमोट के फंक्शन थे दोस्तों। अब अंदर देखते क्या है, दोस्तों ये शायद इसका वारंटी कार्ड है, मेक इन इंडिया फैन है ये इसके कुछ खासियत के बारे में बताए गए दोस्तों। ये 24 ये इसके पत्तियों का साइज है शायद, जिसमें 24 इंच, 36, 42, 48, 56 एंड 60 इतने में आपको अवेलेबल है। और ये इसके कलर्स हैं जिसमें इतने कलर्स में अवेलेबल है, ये इसका वारंटी कार्ड है, इसमें रिमोट का भी वारंटी मिलता है दोस्तों। इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, 3 साल की वारंटी, फुल वारंटी है 3 साल की, 36 मंथ वारंटी है इसमें। और देखिए ये है इसकी रॉड, ये है पंखे की मोटर, ये पंखे की मोटर है, ये कुछ इसका, ये है दोस्तों इसका रिमोट जिससे आप स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए रिवर्स LED SMT इसकी स्पीड के फंक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, और कितने घंटे आपको चलाना, जैसे 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, इसको आप बहुत अच्छा है, इसमें आपको
इसके लिए देखिए रखने के लिए बहुत अच्छा था, प्रोटेक्शन के लिए भी दिया गया है रिमोट को प्रोटेक्शन करने के लिए। और दोस्तों आपको इसमें दो सेल भी मिलते हैं पैनासोनिक कंपनी का, दो सेल हैं पैनासोनिक कंपनी के। और ये क्या है, इसके साथ नट बोल्ट हैं इसके पंखे के। और ये इसके दो आड़ियाँ हैं इसके पंखड़ी। देखते हैं पंखड़ी कैसे हैं। कलर की पंखड़ी है दोस्तों, इसमें काफी चौड़ी पंखड़ी है, इसकी पत्ती काफी चौड़ी है दोस्तों इसकी। ये देखिए तीन पत्ती वाला है दोस्तों, ये चार ब्लेड्स में भी आता है और आप इसका साइज भी चेंज करके ले सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको अमेजन कंपनी से खरीदा था, इसमें प्राइस तो 5500 पड़ा हुआ है। ओवरऑल ये पंखा बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे आपको फीचर मिलते हैं और 4299 मैंने इसको अमेजन से ख़रीदा था। इसके फीचर बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, सब बहुत कम बिजली खाता है, मात्र अगर आप इसका लो कंडीशन पावर देखें तो 25 वाट तक है, मतलब 25 वाट तक में ये चल सकता है आसानी से। और इसको आप रिमोट से भी चला सकते हैं दोस्तों, इसमें MI रिमोट ऐप जो फ़ोन में होता है उससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं MI रिमोट ऐप से। और दोस्तों इसको आप समर में भी चला सकते हैं, विंटर में भी चला सकते हैं, और बहुत अच्छा पंखा है। इसको आप डायरेक्ट सोलर पैनल से भी चला सकते हैं, अगर आप लोगों को ये देखिए, इसको डायरेक्ट आप जो 12 वोल्ट DC जो सोलर पैनल होते हैं उससे आप इसको चला सकते हैं और बिजली से तो ये चलेगा ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताइए कमेंट में, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।